मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम उन दिनों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं जवानी के दिन। और ये असली 18 से लेके 25 साल के दिन है, जब हमारी एज 18 से 25 साल होती है। इस टाइम पे हम अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अगर इस टाइम हमने अच्छा किया तो आगे के फ्यूचर वाले दिन जो होंगे हमारे बुढ़ापे तक, बाकी के 70 साल जो बचे हुए हैं, वो अच्छे हो सकते हैं या हमारी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो अगर आपकी ये एज निकल गई है तो वीडियो सुनना, मज़ा आएगा। अगर आप इस एज में हैं तो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये वीडियो। या आपकी ये एज आने वाली है 18 से 25 साल के बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है ये वीडियो। हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम गलतियाँ करते हैं और हमें नहीं करनी है अगर हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है। सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट है, इस एज में हमारे हार्मोनल चेंजेस होते शरीर में, और उल्टी सीधी गंदी मूवीज़ देखने का, पॉर्न मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और इस चक्कर में ये चीज़ करते करते हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि वाह, मन की तृप्ति मिल गई है। मास्टरबेशन करते हैं लोग। देखिए, मैं नहीं बोल रहा कि ये गलत है, नेचुरल है, अंदर से फील करता है हर एक इंसान में, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जब एक्सेसिव करने लग जाते हैं तो स्किन की दिक्कत, हेयर फॉल की दिक्कत, मसल मास कम होना, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, फ्यूचर में जाके और बहुत सारी दिक्कतें आना। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ये हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हैं, सोचने समझने की शक्तियाँ हमारी कमज़ोर पड़ सकती हैं। आगे फ्यूचर में हम कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, वो कमज़ोर हो जाएगा हमारा दिमाग अगर हम 24 घंटे इसी गंदी लत में, इस गंदे कीचड़ में, दलदल में धंसते चले जाएंगे। बहुत मज़ा आता है ना गाड़ी तेज़ चलाने में, बाइक तेज़ चलाने में। मेरे दोस्त, याद रखना, सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। आपके मम्मी पापा आपके घर में इंतज़ार कर रहे हैं। तो याद रखना कि अगर आप तेज़ बाइक चलाते हो किसी लड़की को देख के, या टशन मारना है, या देखते कितनी तेज़ भागती है, ये ज़िंदगी भर के लिए बेड पे लेट सकते हो। ये रीढ़ की हड्डी जा सकती है, पैर जा सकता है, हाथ जा सकता है। चाहते हो आप 2 सेकंड के फन के लिए ओवरटेक करके निकाल लेते हैं, पूरे दिन फोन चलाते रहना, इंटरनेट पे वीडियो स्क्रॉल करते रहना, और फिर 2-3 घंटे बाद देखना, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी देर से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। होता है आपके साथ ऐसा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा लगता है नेट चलाना, बट सारी चीज़ें लिमिट में हो, सही है। रात और रात आप लड़कियों से बात कर रहे हो, एंजल प्रिया का इंतज़ार कर रहे हो, कब आएगा उसका मैसेज, मैंने इतनी देर से उसे मैसेज भेजा हुआ है। अरे, आपने उसे मैसेज भेजा हुआ है, 3 घंटे बाद रिप्लाई आ रहा है, क्या भरोसा वो किसी और से बात कर रही है? और आप दिल लगा के बैठो, क्या भरोसा वो आईएएस की तैयारी कर रही हो, वो अपनी जिंदगी बना रही है और आप उसका इंतजार कर रहे हो? अरे, ये जो टाइम है ना, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है आपका। ठीक है, लड़कियों से बात करना नॉर्मल है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक से करिए, एक ही रहे आपकी जिंदगी में, वो सपोर्ट करे आपको आगे बढ़ने में, वो ये चीजें अच्छी लगती हैं। ये नहीं कि आज एक लड्डू खाया, फिर नेक्स्ट लड्डू, फिर रसमलाई, फिर छोले भटूरे, आप लगे पड़े इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर इन चीजों में खो जाओगे। ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, ओए चल गेड़ी मारने चल रहे हैं, ओए चल यहाँ चल रहे हैं, ओए चल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई आपको दोस्त चीट कर दे, धोखा दे दे, और फिर आपको हर्ट हो, या कोई आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है आके, अबे ये तो वैसा ही। याद रखना, वो आपकी बुराई भी किसी और के साथ कर सकता है। मैं यही कहूँगा, कम दोस्त रखो, अच्छे रखो। क्वांटिटी पे कम ध्यान देना है, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। चीज़ की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपकी दोस्ती की गहराई, पॉजिटिव आपका दोस्त जितना होगा, आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं अगर, तो उसी के साथ रहिए। अगर कोई नेगेटिव है उसे टाटा बाय बाय कर दीजिए। अगर किसी ने एक बार ही धोखा दे दिया तो याद रखना वो फ्यूचर में जाके भी धोखा दे सकता है, उस पर यकीन मत करना। अगर किसी के दिमाग में एक बारी आपके लिए कुछ गलत चीज़ आ गई ना, नेक्स्ट बारी वो प्लान से चलेगा आपके सामने। तो ये दोस्ती भी, अच्छे दोस्त होना ना बहुत ज़रूरी है। ये गंदे दोस्त होना जैसे ऊपर आसमान से एक बूंद गिरती है, और वो बूंद अगर किसी सांप के, स्नेक के मुंह में गई तो वो जहर बन जाएगी, और अगर वो किसी
पेड़ पे पत्ती पे गिरे तो वो मोती की तरह लगेगी। संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इस मुद्दे पे, इस बात पे मैं आना चाह रहा था, संगति जैसे हमारे दोस्त हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं धीरे धीरे। आइए सब सर के साथ बैठ के देखिए, उनकी तरह दिमाग चलने लग जाएगा। और दो दिन जेब कतरों के साथ बैठ के देखिए, उनकी तरह दिमाग चलने लग जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर है यार, जैसों के साथ बैठते हैं हम, उनकी चीजें हमारे अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है, चाहे हम ना भी चाहें। अरे यार मेरे साथ तो बुरा हो गया, ये ऊपर वाला ना कभी मेरी नहीं सुनता, मेरी तो किस्मत खराब है। देखो मेरे हाथ की लकीरें देखिए। अरे आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप कहीं ना कहीं मेहनत में कमी कर रहे हो। इतनी ज्यादा मेहनत करो, इतना ज्यादा जुनून करो कि सामने वाले भी बोले पागल हो गया क्या, डिप्रेशन हो गया क्या। जितनी अंदर आपके भड़कती आग होगी ना, उतनी ये हाथ की रेखाएं भी बदल जाएंगी मेरे दोस्त, याद रखना। और कभी भी ये ना सोचे कि ऊपर वाले ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आज से चढ़ावा बंद, प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा, आज से मैं मंदिर नहीं जाऊँगा या मस्जिद नहीं जाऊँगा। नहीं यार, ऊपर वाले से यकीन कभी भी मत खोना अपना। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और अभी नहीं पता लगता, वो एक महीने बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पता जरूर लगता है। और फिर आपको लगेगा हाँ यार चलो वो सही हुआ था, अब ये चीज सही हो गई। नशों से दूर रहिए, पहली सीक्रेट। तुम्हारा दोस्त बोले ओए चखेगा क्या, ले अबे एक ही तो बारी है, अबे यार कोई नहीं यार, कूल डूड ब्रो, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लड़की को इम्प्रेस करेंगे ना, अबे भाई कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होती, वो कबीर सिंह ये मूवी वगैरह में जो दिखाते हैं ना, वो मूवीज ही है, वो अलग दुनिया है, अलग पार्ट है, असलियत ना कुछ और ही है। तो पहली सिगरेट जो आप पीते हो ना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या टशन में, कूल में, और आपको लगता है कोई नहीं, पहली से जब वो एक डब्बी हो जाएगी ना, आपको पता नहीं लगेगा। और जब तक आपकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होगी, इतनी गंदी लत लग चुकी होगी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उस लत को छुड़ाना। याद रखना मेरे दोस्त, आगे जाके लोग आपकी सैलरी के हिसाब से आपको इज्जत देने वाले हैं, आपकी औकात का पता लगाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे बेटा कितनी सैलरी है, अंकल 14,000 रुपये महीने की है। हाँ ठीक है, मेहनत करता ना जिंदगी में तो आज तू कहीं और होता। दूसरी चीज, अरे बेटा कितनी सैलरी है, अंकल मैं 3,00,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ। अरे वाह बेटा वाह, अरे कैसे हो आप, सही हो, एक काम करना ना, फ्री हो तो कभी घर आ जाना, शादी हो गई, मेरी बेटी ने भी वैसे शादी नहीं की। आप ऐसा होता है, ये समाज है, ये आपकी औकात, आपको किस हिसाब से इज्जत देनी है ना, इस चीज़ पर डिपेंड होता है। मेहनत करो जिंदगी में। मम्मी मुझे ना हीरो बनना है, मम्मी मुझे ना सिंगर बनना है, डांसर क्रिकेटर बनना है, मम्मी मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़, तुझे पता है कितना ज़्यादा मुश्किल है, आगे नहीं बढ़ पाते, मुझे पता है। सारी इंडियन फैमिलीज में ऐसा ही होता है, मेरे घर भी ऐसा ही होता था जब मैं वीडियोज़ बनाता था। बट उस काम को करते करते, जैसे पढ़ाई को करते करते, या आप कभी जॉब कर रहे हो अभी, उसे करते करते आप अपने पैशन के लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो, तो ये सारा समाज बदलने वाला है, आपके मम्मी पापा भी खुद बदल जाएंगे। पर अगर आपको उसके साथ साथ मेहनत करनी है, अगर आपके मम्मी पापा नहीं चाहते कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हम अपने बच्चे को खो ना दें, ये सक्सेस में कम ना रह जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उसके साथ साथ मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो कि आप अपने पैशन में इतनी मेहनत करो कि आप ऊपर पहुंच जाओ, और जो पढ़ाई है, जॉब है ना, वो नीचे लगने लगे उससे, तो आपके घर वालों को भी यकीन हो जाए हाँ भाई लड़के में दम तो है, कुछ कर सकता है, तो फिर वो भी आपका साथ देंगे। एक मछली पानी में तैर रही है, उसे डेली बोलेंगे अरे चल पेड़ पे चढ़, पेड़ पे चढ़। वो ना बेचारी डेली कोशिश करेगी, ठीक है चढ़ रही हूँ, चढ़ रही हूँ, चढ़ रही हूँ, वो नहीं चढ़ पाएगी। 10 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, नहीं चढ़ पाएगी। पहली बात तो मर जाएगी बिना पानी के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं चढ़ पाएगी, नहीं चढ़ पाएगी वो पेड़ पे, क्योंकि वो समुंदर में तैरने के लिए बनी है यार। बट ये समाज चढ़ाता रहेगा पेड़ पे, और बंदर बना है पेड़ पे चढ़ने के लिए, उसे समुंदर के लिए, तो ये दोनों अलग अलग हैं। और उस मछली को ना बेचारी को 10-20 साल बाद यकीन हो जाएगा कि मैं तो नाकारी हूँ, कि मैं बेकार हूँ, मैं नहीं चढ़ सकती उस पेड़ पे। सब ऐसे ही बोल रहे हैं, समाज ऐसे ही बोल रहे हैं, इतने साल हो गए मेहनत करते करते। ब्रो तेरा भाई नया आईफोन लिया है, नई बुलेट लिया है, कैसे लिया है, माँ बाप का खून पी के लिया है, ईएमआई पे लिया है, किश्तों पे, खुद दलदल में अपने पैर डुबो के नीचे नीचे धीरे धीरे वो दलदल में जाया जा रहा है, पर लिया है।
मज़ा आता है, मुझे पता है, मन करता है अंदर से बहुत ज़्यादा, दिल करता है अच्छा अच्छा मोबाइल लेने का, अच्छे कपड़े पहनने का, गाड़ी लेने का, है ना। पर सक्सेसफुल इंसान बन के लोगे ना, बिना माँ बाप का खून पिए जब अच्छा लगेगा, या अपना भी खून कम पिए, हर महीने किश्तों में दबते चले जाओगे दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, बस ओए दिख रहा है लोगों, ओए सेल्फी में दिख रहा है लोगों, ओए दिख रहा है भटभट कर रही है मोटरसाइकिल मेरी, दिखावा नहीं करना है। बेचारे माँ बाप पूरी जिंदगी लगा देते हैं मेहनत करते 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 करते, 5-6 साल 7-8 साल जो मेहनत से पैसे कमाए हैं वो एक दिन की शादी में लगा देते हैं, और मेहमान क्या करते हैं, ऐसे साफ किया खाया, मजा नहीं आया खाने में, उस बेचारे बाप के बाल उड़ गए, बाल सफेद हो गए, पसीने की जगह खून आने लगा, दिन रात मेहनत करी, और उसके बाद आए आस पड़ोस वाले, ये समाज, समाज को दिखाने के लिए तो लगाया था नया पैसा, और वो समाज ना पीठ पीछे बोल के चला गया, खाया पिया और गया हाथ साफ करके। तो उतना ही चलिए जितना आपका ब्योत है, ये ना सोचे कि समाज के हिसाब से समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ज़्यादा पैसे लगाने हैं शादी में, कम पैसे भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला पार्टनर अच्छा होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ वही है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप, और क्या चाहते हो आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या हो मेरा, और मेरी वीडियो देख के आपको कैसा लगता है ये बताइएगा। और हाँ, मेरे एक चीज़ ध्यान आई, एक इंसान से मैं मिला था और उन्होंने बताया था कि 3 तरीके का दान सबसे बड़ा दान होता है, 3रे नंबर पे जो दान है, मतलब जो सबसे कम माना जाता है, वो जैसे कोई रोड पे भिखारी है या कोई ज़रूरतमंद है या पैसे दे दो, पैसे देने वाला दान माना जाता है। 2रे नंबर का मेरा याद नहीं है, वो बताऊंगा नेक्स्ट टाइम आपको। 1st नंबर का ऐसा उन्होंने बताया, मैं बता रहा हूँ आप भी कर सकते हो ये दान, अगर आप अपने शब्दों से किसी की ज़िंदगी बदल रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, कोई ज़िंदगी में हारा हुआ है, डिप्रेस्ड है, टेंशन में, पर आपने दिशा दिखाई, बातें बताई और उनकी आंखें खुली और वो आगे बढ़े ज़िंदगी में, उन्हें अंदर से मन किया कुछ अलग करने का, खुल के जीने का, बटरफ्लाई बनने का, उड़ने का अपने सपनों के साथ, तो आप सबसे ज़्यादा बड़ा दान कर रहे हो इस दुनिया में। अपने शब्दों से अगर किसी की जिंदगी बदल सकते हो, अच्छे शब्द निकालिए अपने मुंह से। तो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सेफ होंगे अपने घर में, और मम्मी पापा भी आपके सब सेफ होंगे, घर परिवार में सब होंगे। ध्यान रखना अपना और अपने मम्मी पापा का भी, एंड प्लीज ऐसे प्यार करते रहिए। और हाँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप चाहो तो उधर आ सकते हो, देख सकते हो मेरी वीडियोस को, मेरी स्टोरी में मैं अपनी निजी दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें डालता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।